हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तस्नीम दलवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी कॉलेज ऑफ चांगू काना ठाकुर न्यू पनवेल। आज का हमारा विषय है जनसंचार क्या है, यानी हम आज इस वीडियो में जनसंचार माध्यम के बारे में जानेंगे कि जनसंचार होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे जनसंचार का अर्थ क्या होता है। जनसंचार को अंग्रेजी में मास कम्युनिकेशन कहते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, मास प्लस कम्युनिकेशन, जिसमें मास का अर्थ जन, जन समुदाय, जनता, भीड़ से है और कम्युनिकेशन का अर्थ संप्रेषण, संचार से होता है। अर्थात जनसंचार का अर्थ है किसी जन समुदाय को सूचनाओं का आदान प्रदान करना। अब हम देखते हैं जनसंचार की परिभाषा, यानी अन्य लोगों के अनुसार जनसंचार का उनकी दृष्टि में क्या अर्थ है। किसी भी माध्यम से बड़े जन समूह तक सूचनाओं का आदान प्रदान ही जनसंचार कहलाता है और इस प्रक्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाले साधनों को जनसंचार के माध्यम कहते हैं। दूसरी परिभाषा है किसी बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ जनसंपर्क स्थापित करना ही जनसंचार है। यानी इस परिभाषा के अंतर्गत हम जान सकते हैं कि जनसंचार का अर्थ ही होता है कि यदि आपको अपनी बात, यानी अपना जो कम्युनिकेशन अगर करना हो, संप्रेषण करना हो, तो जनसंचार के द्वारा आप अपने भावों, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे ही हम जनसंचार कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जनसंचार के माध्यम, जनसंचार के चार माध्यमों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। पहला माध्यम है पारंपरिक जनसंचार माध्यम, दूसरा है मुद्रित माध्यम, तीसरा है श्रव्य माध्यम और चौथा है दृश्य श्रव्य माध्यम। जनसंचार के जो चार माध्यम आपको यहाँ पर बताए गए हैं, पारंपरिक जनसंचार माध्यम, मुद्रित माध्यम, श्रव्य माध्यम और दृश्य श्रव्य माध्यम। अब हम इन चारों माध्यमों को विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। पहला यहाँ पर माध्यम बताया गया है पारंपरिक जनसंचार माध्यम। इसमें हम देखेंगे कि पारंपरिक जनसंचार माध्यम क्या होता है। आज भी ऐसे अनेक गांव हैं जहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं है। इन जगहों पर रहने वाले लोग टेलीविजन देखना या इंटरनेट उपयोग नहीं कर पाते। इसी तरह अनपढ़ लोग समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं नहीं पढ़ सकते। लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि वह संचार अनेक नहीं करते। उन्होंने स्थानीय भाषा तथा संस्कृति पर आधारित संचार के विविध तरीकों का विकास किया है। अपने माता पिता या दादा दादी से रामायण, महाभारत तथा देश पर राज कर चुके राजा रानी की अनेक कहानियां सुनी होंगी। इसी तरह तीज त्योहार तथा परंपराओं एवं किस तरह से अच्छा इंसान बने, इस बारे में भी ढेरों कहानियां मौजूद हैं। इस तरीके से सूचना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है तथा परंपरागत माध्यम से ही विकसित होती है। इसे ही हम परंपरागत माध्यम कहते हैं। यानी जो परंपरागत, इसके अंतर्गत हमने देखा है कि परंपरागत माध्यम ऐसा माध्यम होता है जिसमें न किसी टेलीविजन का या रेडियो का उपयोग न करते हुए, यानी मनुष्य जो होता है, जो जानकारी उसे अपने दादा दादी से, माता पिता से जो प्राप्त होती है, उन्हीं का उपयोग करके वो प्रचार प्रसार करता है, यानी संप्रेषण करता है, उसे ही हम परंपरागत जनसंचार माध्यम कहते हैं। ये परंपरागत जनसंचार माध्यमों के विविध रूप होते हैं। यानी एक ही प्रकार से सिर्फ कहानी के रूप में या नाटक के रूप में ही इन माध्यमों का जनसंचार नहीं किया जाता, बल्कि अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि परंपरागत नृत्य होता है, नाटक, चित्रकला, मूर्तिकला, गीत, संगीत, कठपुतली, चित्रकथा, नौटंकी, लोक नृत्य आदि। यानी ये जितने भी माध्यम है ये परंपरागत माध्यम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हमारा माध्यम है मुद्रित माध्यम। अब हम देखते हैं कि मुद्रित माध्यम किसे कहते हैं। जनसंचार के ऐसे माध्यम जो लिखित रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं और उनकी सहायता से जनसंपर्क स्थापित किया जाता है, मुद्रित माध्यम कहलाते हैं। जैसे कि अखबार, पत्रिकाएं, पैम्फलेट आदि, ये जितने भी माध्यम है ये मुद्रित माध्यम के अंतर्गत आते हैं।
समाचार पत्रों की खबरों को दो भागों में विभक्त किया जाता है, जिसमें से एक को हार्ड न्यूज़ कहा जाता है, जो कि प्रतिदिन की खबरें होती हैं, अर्थात प्रतिदिन छपने वाली खबरों को हम हार्ड न्यूज़ कहते हैं। यही वो खबरें होती हैं जो हार्ड न्यूज़ कहलाती हैं। दूसरी जो होती है न्यूज़, वो होती है सॉफ्ट न्यूज़, जो कि विशेष प्रकार की खबरें होती है और उनके मुद्रण का एक विशेष समय होता है। मुद्रण का एक विशेष समय होता है, अर्थात कि किसी विशेष समय पर ही इन्हें छापा जाता है। जैसे कि साप्ताहिक जो खबरें होती है या मासिक जो खबरें होती है, उसे ही हम सॉफ्ट न्यूज कहते हैं। जनसंचार के मुद्रित माध्यमों के रूप में समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं और विज्ञापनों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इससे हम भली भांति अवगत हैं, क्योंकि सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के साधन के रूप में यह लगभग अनिवार्य घटक है जो हमारे निजी जिंदगी से लेकर सार्वजनिक एवं व्यवस्थात्मक जीवन को अनेक महानता में सुगमित करती है। तीसरा हमारा जो माध्यम है वो है श्रव्य माध्यम। श्रव्य माध्यम चित्रों से ही आपको पता चल रहा है। श्रव्य माध्यम की सामान्य सी परिभाषा अगर हम देखें तो ऐसे माध्यम जिन्हें सुना जा सकता है, शब्द आधारित माध्यम यानी साउंड मीडिया भी इसे कहते हैं, यानी यह ध्वनि आधारित माध्यम है। इसे सिर्फ सुना ही जा सकता है, देखा अथवा पढ़ा नहीं जा सकता, परंतु केवल सुने जाने वाले माध्यम होने से इनकी उपयोगिता कम नहीं होती। जमाना बदल गया है, परंतु आज भी हम रेडियो प्रसारणों को अपने मोबाइल पर सुनते हैं और अपनी दिनचर्या को जारी रखते हैं। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसे पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे अथवा पढ़ने में असमर्थ दृष्टिबाधित सभी लोग सुन सकते हैं। ऐसा मुद्रित माध्यम के अंतर्गत ही होता है। यानी अन्य माध्यम ऐसे होते हैं जिसे हम देख सकते हैं, लेकिन रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जिसका लाभ हर कोई उठा सकता है, केवल श्रव्य के माध्यम से। यानी केवल सुनकर ही अनपढ़ लोग, चाहे पढ़े लिखे लोग हो या अनपढ़ लोग हो, सभी प्रकार के लोग इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चौथा हमारा माध्यम है दृश्य श्रव्य माध्यम। आज का जो आधुनिक युग है, इसके अंतर्गत हमें अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चलता है, जैसे टीवी है या मोबाइल फोन है। तो दृश्य श्रव्य माध्यम जो होते हैं, ऐसा माध्यम जिसके द्वारा मतलब श्रव्य सामग्री को लोगों तक पहुंचाया जाता है, वे सभी माध्यम दृश्य श्रव्य माध्यम कहलाते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, दृश्य श्रव्य सामग्री को दो तत्वों से मिलकर बनती है, पहला दृश्य और दूसरा श्रव्य। दृश्य के तत्व हैं जिनको देखा जा सकता है और श्रव्य वे होते हैं जिनको सुना जा सकता है। फिल्म और टेलीविजन परंपरागत रूप से दृश्य श्रव्य माध्यम रहे हैं, लेकिन आधुनिक सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी ने ऑनलाइन माध्यमों को भी इसमें शामिल कर दिया है। इंटरनेट की सहायता से आज हमें अपने कंप्यूटर, लैपटॉप अथवा स्मार्टफोन आदि पर भी हम दृश्य श्रव्य सामग्री को देख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोग दृश्य श्रव्य माध्यम का उपयोग नहीं कर सकते। यदि उन्हें इस एप्लीकेशन के बारे में समझ आए तो वो भी इन माध्यमों का उपयोग भली भांति करते हैं। इस प्रकार आज हमने जनसंचार माध्यमों के बारे में जानकारी प्राप्त की है, जिसमें हमने पहला जो माध्यम देखा है वो है परंपरागत माध्यम। इन्हीं परंपरागत माध्यम के अंतर्गत हमने जो जानकारी प्राप्त की है, उसके अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार जो गांव के अंतर्गत रहने वाले जो लोग होते हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं होती, यानी पढ़े लिखे नहीं होते, फिर भी वो अलग अलग माध्यमों के द्वारा संप्रेषण करते हैं, जैसे कि नाटक के माध्यम से या व्यावसायिक माध्यम से, हर तरह से वो संप्रेषण करते हैं। उसी प्रकार दूसरा हमने देखा था वो था रेडियो श्रव्य माध्यम। श्रव्य माध्यम के अंतर्गत हमने क्या देखा कि रेडियो के द्वारा किस तरह से प्रसार 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 प्रचार किया जाता है। लास्ट जो हमने देखा है अंत में, वो है दृश्य श्रव्य माध्यम, यानी ऐसे माध्यम जिसके अंतर्गत हम जानकारी, कोई जानकारी हमें प्राप्त करनी हो तो वो हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इस प्रकार हमने जनसंचार के अंतर्गत
सभी जानकारी को प्राप्त किया है। धन्यवाद।